पिछले कई दिनों से अपनी मांगों को लेकर भगवानपुर टोल प्लाजा में किसान धरने पर बैठे हैं। अब एसडीएम ने किसान और दूसरे पक्ष के बीच कुछ मांगों को लेकर सहमति बनवाई है। हालांकि जब तक पूरी मांगे नहीं मानी जाती तब तक किसान धरने पर बैठे रहेंगे। भारतीय किसान यूनियन क्रांति के बैनर तले किसान भगवानपुर टोल प्लाजा में धरने पर बैठे हैं। अब धरने पर बैठे किसानों और दूसरे पक्ष के बीच भगवानपुर एसडीएम जितेंद्र कुमार ने एक मामले में सहमति बनवाई है। टोल प्लाजा के दो कर्मचारियों की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई थी, जिसके मुआवजे को लेकर सहमति बन गई है। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष विकास सैनी ने कहा कि कुछ मामलों में सहमति बनी है, हालांकि जब तक सभी मांगे नहीं मानी जाती धरना अनिश्चितकालीन तक चलता रहेगा। वहीं एसडीएम भगवानपुर जितेंद्र कुमार ने कहा कि यूनियन की कुछ मांगे अभी मांग ली गई हैं और बाकी मांगों को लेकर संबंधित विभागों के अधिकारियों से बात की जाएगी। बिजली विभाग जो उत्पीड़न कर रहा उसे लेकर, और जो पुलिस विभाग आम आदमी का उत्पीड़न कर रहा, 28,000 का चलान लोगों का कर रहा, जिसके बेचारे के घर में रोटी नहीं खाने को, वो टूटी सी मोटरसाइकिल पर चल दे घर से, तो उसका ही 28,000 का चलान हो रहा। जब तक ये उत्पीड़न बंद नहीं होगा और पूरे हरिद्वार जिले को आपदा ग्रस्त घोषित नहीं होगा, बिजली फ्री नहीं होगी किसान के लिए, और किसान का कर्जा माफ नहीं होगा, 11,000 रुपये बीघा प्रति बीघे के हिसाब से मुआवजा नहीं मिलेगा किसान को, तब तक धरना जारी रहेगा। टोल प्लाजा के दो कर्मचारियों की सड़क दुर्घटना में मृत्यु हुई थी, उनको मुआवजा दिलाने को लेकर किसान यूनियन के द्वारा यहाँ पे अपनी मांग रखी गई। इसमें NHAI के अधिकारियों को और टोल प्लाजा वालों को बुलाकर वार्ता की गई और उनके द्वारा ये आश्वासन दिया गया कि वो इनको जो सैलरी दी जा रही थी उसको कंटिन्यू करेंगे। कुछ बिजली विभाग के अगेंस्ट कुछ शिकायतें हैं कि अनावश्यक उनसे छापे डाले जा रहे हैं, इसके संबंध में विद्युत विभाग के एक्शन साहब को हमने बुलाया हुआ है, उनसे वार्ता की जाएगी इसके बारे में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।